स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है। और हर बार की तरह वापस आए हैं तो वेलकम बैक गाइस, आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि दी आपकी जो स्टोरी में वो आप ट्विस्ट और टर्न डाल दो ना, थोड़ा सा अप एंड डाउन, वो हमें बहुत पसंद है। सिंपल सिंपल स्टोरी उन्हें भी पसंद है, मुझे पता है आप सब मेरे प्यारे सब्सक्राइबर को, पर मेरे ट्विस्ट और टर्न को कुछ लोग मिस करें। तो एज यू रिक्वेस्ट, मैं फिर से स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न आज से ऐड करूँगी जो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अच्छा लगे। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से लान कुरान ने विंग से बात करने के लिए कहा था। अभी उनके बिल्कुल पास खड़ा है लान कुरान, बहुत प्यार से विंग के हाथ पे हाथ रखते हैं जिससे विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। इस समय लान कुरान अपने बेड पे बैठे हुए हैं और विंग उनके पास के एक मतलब जैसे चेयर होते हैं उसके बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। जैसे अब लान कुरान ने विंग के हाथ को पकड़ा और बोला, थैंक यू सो मच, थैंक यू, तुमने मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ किया। सच कहूँ तो एक तुमसे आज मिलकर मुझे यकीन हो गया कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरे फैमिली के होने वाले ओमेगा हो। सच कहूँ तो वांग जी की पसंद तुम सचमुच में सबसे बेस्ट रहती थी। हम सब में वांग जी की चॉइस सबसे बेस्ट होती थी और आज वांग जी ने अपना ओमेगा भी सबसे बेस्ट ही चूज किया है। वेलकम टू आवर फैमिली विवशान। कहीं ना कहीं लान कुरान सिंपल शब्दों में विंग को बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं कही, कोई शुगर कोटिंग नहीं की, कुछ बातें कहीं, लेकिन सचमुच में विंग की लाइफ में ये पहली बार किसी ने उसे जैसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो ऐसी फीलिंग दे गया। विंग स्माइल करता बोलता, थैंक यू सो मच अंकल मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं एक ऑफेन हूँ, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बिना किसी इसके इतने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। इस बात तुम ऑफन थे, अब तुम ऑफन नहीं हो, बल्कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, द लान फैमिली, और अब तुम द लान फैमिली के सन इन लॉ हो। तो तुम आज के बाद कभी भी ये चीज़ अपने लिए नहीं बोलोगे, और वैसे भी वांग जी तुम्हारा अल्फा है, तो तुम अब अकेले कैसे हुए। दूसरी बात, मैं तुम दोनों को इस तरीके से ऐसे नहीं रहने दूंगा, मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द इंगेजमेंट करना चाहता हूँ। जिस चीज़ से विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इंगेजमेंट के बारे में कुछ प्लान ही नहीं किया था और उसके दिमाग में अभी इंगेजमेंट की कोई बात नहीं थी। वहीं रूम में एंट्री करता लान शिचैन और लान वांग जी भी पूरी तरह से शॉक है। वांग जी की तो जैसे हाथ में जो सामान थे वो भी धड़ाम करके नीचे गिर जाते, जैसे कुछ वाटर बोटल और कुछ खाने के स्नैक्स जो वो पॉलिथिन में लाया था। अचानक से इस आवाज़ से अब विंग का ध्यान भी वांग जी की तरफ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे हैं। वहीं शिचैन बहुत एक्साइटेड होकर बोलते हैं, वाह अंकल ये तो बेस्ट रहेगा, अभी हम सारी फैमिली यहाँ पर है तो हम ये इंगेजमेंट कर लेते हैं। इस बात पे वांग जी थोड़ा सा अपने ब्रदर को रोकते बोलते हैं, पर ब्रदर मदर और फादर यहाँ नहीं है, और विंग विंग की एक सिस्टर है जिसे विंग बहुत पसंद करता है, वो उसकी फॉस्टर सिस्टर थी, लेकिन विंग उनके उन्हें अपनी हर लाइफ की हैप्पीनेस में इंक्लूड करता है, तो उनके बिना। इस बात पर अब कुरान विंग की साइड देखते हैं और बोलते हैं, तुम लैंड फैमिली के बारे में अभी नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत डेंजरस भी, उनके सामने घर वालों की किसी की नहीं चलती, और अगर उन्हें पता चलेगा कि इस तरह से वांग जी ने एक ओमेगा के साथ मतलब उसे मार्क कर दिया है और एक ही साथ रहता है, तो वो इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे बारे में कोई भी गलत इमेज रखे। मैं चाहता हूँ कि वो भी जैसे मैंने तुम्हें एक बार में पहचान के तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया, वो भी तुम्हें इतने ही मन से एक्सेप्ट करें, इसलिए मैं तुम दोनों की अभी सिर्फ इंगेजमेंट कर रहा हूँ, तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा वांग जी। अब वांग जी को सडनली अपने ग्रैंडफादर की जब याद आती है तो उसे भी होश आता है, तो उसके ग्रैंडफादर टिपिकल ट्रेडिशनल अल्फा हैं, वो इस तरीके से एक अल्फा और ओमेगा शादी से पहले खुद के साथ फिजिकल हो, मतलब एक दूसरे के साथ फिजिकल हों, एक दूसरे को मार्क कर दें, ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
कहीं ना कहीं ये इंगेजमेंट थोड़ा तो उन लोगों को सेव कर देगा। वहीं जैसे ही उनके फादर को पता चलेगा कि विंग बिना शादी के ऑलरेडी एक अल्फा के साथ, यानी चाहे वो उनके पोते के साथ रह रहा हो पर वो विंग के बारे में गलत इमेज बना सकते हैं कुरैन के इस डिसीजन को, अब वांग जी थोड़ा सा समझ रहे हैं। वो भी अब विंग की साइड देखते हैं और बहुत प्यार से बोलते हैं, विंग अंकल सही कह रहे हैं, मैं तुम उनसे एंगेज होना चाहता हूँ, और हाँ मैं तुम्हारी सिस्टर से भी तुम चाहो तो बात कर लेता हूँ। इस बात पे विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और नहीं मैं खुद बात कर लूँगा बोल के बाहर आता है, पर विंग के अंदर एक सैडनेस है क्योंकि विंग बिल्कुल भी ऐसे तो तुरंत एंगेजमेंट नहीं करना चाहता था। वहीं वांग जी को भी याद है विंग कैसे कह रहा था कि वो बिल्कुल भी विंग वांग जी के किसी भी प्रपोजल को ऐसे नहीं सुनेगा क्योंकि उसे अपने बेबीज को बताना है। कहीं ना कहीं विंग की मन की दुविधा को समझते हुए और उसके चेहरे की सैडनेस को देखते हुए वांग जी थोड़ा सा अपने ब्रदर के पास आता है और कुछ प्लान करता है। वहीं विंग अब वहाँ से बाहर आके पहले अपने एक तरीके से ऑफिस का काम के लिए होटल पहुंचता है और फिर वहाँ पे ड्यूक से मिलता है। मैं ड्यूक और जॉर्ज विंग को हेल्प करते हैं जो भी कोई काम उन्होंने दो दिन में किया उसे करने के लिए। अब वो नीमिंजे से भी विंग बात करता है, उन्हें बताता है कि वो इशू सॉल्व हो गया, तो नीमिंजे भी खुश होते हैं। अब वीकेंड आ ही गया है तो नीमिंजे बोलते हैं कि वो चाहे तो इस वीकेंड पे वांग जी की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके बाद में आ सकता है, जिस पे विंग भी खुशी और एक्साइटमेंट में अग्री हो जाता है। मैं विंग जैसे ही अब फोन मतलब नीमिंजे का फ़ोन कट करता है तो उसके पास दोबारा से कॉल आता है वांग जी का, जो उसे थोड़ी सीरियस आवाज में पूछता है, कहाँ हो तुम? इस बात पे वहीं स्माइल करता हुआ मतलब एक खुशी स्माइल बताया, तुम ऐसे क्यों रेकुलर लंजा, मैं कहीं गुम नहीं हुआ, वहीं हूँ जहाँ था, मैं होटल रूम था मैं आ गया था, अभी के अभी होटल के बैक गेट की तरफ आओ। अभी पर क्यों? क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस चीज़ से विंग थोड़ा सा शॉकिंगली, क्योंकि ऑलमोस्ट रात होने वाली है, इस समय तो उसे रूम में ही आना चाहिए था वांग जी को, लेकिन उसे बैकयार्ड पे बुला रहा है। यही सोच के वहाँ से नीचे उतर के पीछे की तरफ जाता है, यानी होटल के बैक साइड। जब विंग वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पूरी जगह अंधेरा है, जिससे विंग थोड़ा घबरा जाता है और अपने फ़ोन की मतलब फ्लैश लाइट ऑन करता है। जैसे ही विंग अब फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वांग जी बिल्कुल उसके पास खड़ा है, जिससे विंग थोड़ा घबरा जाता है। हो लंजा, तूने मुझे डरा दिया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में इस बैकयार्ड में? जिस चीज़ से अब वांग जी स्माइल करता हुआ विंग का हाथ पकड़ के अब थोड़े से आगे चलता है, और जैसे ही थोड़ा सा वो लोग आगे चलते हैं तो पूरे बैग जहाँ पे अभी अंधेरा था वहाँ लाइट जलती है, एक डेकोरेशन वाली लाइट से पूरे एरिया को डेकोरेट कर दिया गया है। एक बड़ा सा ट्री है जिसके चारों तरफ लाइटिंग है और चारों तरफ छोटी छोटी जो बाउंड्री होती है उन पे भी लाइटिंग लगाई दी गई है। इस पूरे के पूरे गार्डन को छोटी छोटी कैंडल से लाइट से जला दिया गया है। पूरी साइड इतनी सारी लाइटिंग देख के विंग थोड़ा शॉक होके वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग का हाथ छोड़ के अब आगे की तरफ चलता है, इन सारी लाइटों को क्रॉस करके उस बड़े से ट्री के नीचे आके खड़ा हो जाता है। विंग स्माइल करता हुआ वांग जी को देख रहा है और चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है। अचानक से अब बहुत सारे फायर क्रैकर्स मतलब हवा में फूटने लगते हैं और बड़ा बड़ा विल यू मैरी मी लिखा हुआ आता है, जिससे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने इमेजिन ही किया था कि कुछ ही घंटों में वांग जी इतना कुछ कर देगा। विंग अब रोते हुए वांग जी की साइड आगे बढ़ता है और बिल्कुल वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी अभी भी अपने घुटनों पे बैठा हुआ है। वहीं विंग स्माइल करता हुआ जैसे ही हाँ करता है तो वांग जी विंग की फिंगर में एक रिंग पहना देते हैं और फिर उस ट्रीज के ऊपर से बहुत सारे फ्लावर्स के पैटर्न उन दोनों के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहीं साइड में अब कुछ लोग इस भीड़ से मतलब जगह बाहर आ जाते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि लान शी चैन, लान कुरैन, लान जिंगी, ड्यूक और जॉर्ज थे, यानी विंग के वो दोनों कलीग। ये सारे लोग अब ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते हैं, कुछ होटल के स्टाफ भी आ जाते हैं और बाद में विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करते हैं। हाँ ऑब्वियसली यहाँ लान कुरैन है तो वो किस नहीं करते, बस सिर्फ एक दूसरे को हक करते हैं। थोड़ी देर में इन दोनों सबके बीच में आके खड़े थे। वहीं अब होटल के स्टाफ एक केक लेके आते हैं, वहीं लान कुरैन वो केक विंग को कट करने के लिए कहते हैं। जैसे ही विंग वो केक कट करके वांग जी को खिलाता है तो अब वांग जी स्माइल करता हुआ
विंग की तरफ देख के प्यार से उसके माथे पे केस कर देते हैं। और बाद में आप लानक्रेन एक रिंग लेके विंग के पास आते हैं और कहते हैं, लो तुम भी वांग जी को रिंग पहना दो। कहीं ना कहीं वांग जी के लिए विंग ने रिंग नहीं खरीदी थी, इसलिए विंग थोड़ा सा झिझक रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो उसे खरीदनी थी। लेकिन लानक्रेन स्माइल करते हुए बोलते हैं, जैसे अब तक मेरा बेटा जिंगी था, आज से तुम भी मेरे बेटे हो। जब मैं जिंगी के लिए उसके अल्फा के लिए इंगेजमेंट रिंग खरीदूंगा तो क्या मैं अपने इस ओमेगा बेटे के लिए नहीं खरीद सकता? इसे विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ घंटे पहले मिले ये स्ट्रेंजर्स ने उसे इतने प्यार से अपना बेटा बना लिया। कितने लोग, वो कितने सारी फैमिली से मिला, जब वो फॉस्टर किड था कितने सारे फॉस्टर पेरेंट्स मिले, कभी भी उन्होंने उसे अपने बेटे वाली फीलिंग नहीं दी। यहाँ तक कि ये मतलब जियांग्स ने भी उसे अपना बेटे वाली फीलिंग नहीं दी। हमेशा फॉस्टर ही किड बना रहा। अगर वो उसे अपना बेटा मानते तो वो उसे अडॉप्ट करते, जो अब तक उन्होंने नहीं किया था, तो मतलब 18 साल की एज तक नहीं किया था। कहीं ना कहीं विंग अब स्माइल करता हुआ वो रिंग लेकर वांग जी को पहना देता है। इन लोगों की कब वो होटल्स का बहुत सारे पिक्स भी क्लिक करते हैं। ऑब्वियसली अब यहाँ एक तरीके की इंगेजमेंट सेरेमनी ही हो गई, जो विंग के लिए काफ़ी बड़ा शौक थी। वहीं शिचैन ने ये सब कुछ वांग जी के साथ मिलकर किया था, तो शिचैन भी काफ़ी खुश है। वहीं विंग और वांग जी की इस इंगेजमेंट सेरेमनी के तुरंत बाद वांग जी अब विंग को अपने पेरेंट्स से एक वीडियो कॉल करवाते हैं। विंग बहुत नर्वस है क्योंकि उसने एकदम से इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन वो खुश भी बहुत है। आज उसे सब लोग वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत दे रहे हैं जो शायद उसे कभी भी जनचा के साथ रिलेशनशिप में नहीं मिली। इस तरीके से वांग जी की फैमिली के सामने वांग जी उसे अपना मतलब ओमेगा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वांग जी की फैमिली भी उसे इतने प्यार से वांग जी का ओमेगा एक्सेप्ट करके उसे बहुत अच्छे से डील कर रही है। वांग जी के फादर और मदर देखने में काफ़ी शादा शांत लग रहे हैं। वहीं वांग जी की मदर तो बहुत नॉटी लग रही है क्योंकि वो तब से वांग जी की टांग खींच रही है कि वाह भाई तू तो बड़ा जल्दी निकला, तुझसे तो सब्र भी नहीं हुआ कि हम वहाँ पहुँच जाएँ, उससे पहले ही तूने एंगेजमेंट कर ली, हम आ जाते तो तभी कर लेता। मतलब एक तरीके से जैसे मदर अपने बच्चों को तंग करती है वैसे कर रही है, जिसे देख के विंग को चाहे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है कि वांग जी की मदर इतनी ज़्यादा काम और इतनी ज़्यादा चुलबुली हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के फादर भी विंग से मिलके काफ़ी खुश होते हैं। मिस्टर लैन थोड़े शांत और किस्म के हैं, बिल्कुल लानक्रेन की तरह ही उनका फेस भी थोड़ा स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन वो बहुत प्यार से विंग से मिलते हैं और वेलकम टू द फैमिली बोलते हैं। ये दोनों भी विंग को थैंक यू बोलते हैं जिंगी की हेल्प के लिए, जिससे विंग खुशी से बोलते हैं कि वो भी तो उनकी फैमिली है, तो आप ये थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स तो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। हैरानी की बात यह है कि विंग जिनकी के ग्रैंडफादर मतलब जिन ग्रैंडफादर की वजह से विंग और वांग जी ने तुरंत इंगेजमेंट कर ली, वो ग्रैंडफादर विंग से अभी तक नहीं मिले। वहीं अभी ग्रैंडफादर चाइना में नहीं है, ये बात वांग जी को पता चलती है। और जैसे ही वांग जी को ये बात पता चलती है, थोड़ी देर पहले जो हैप्पीनेस वांग जी के फेस से थी वो एक नर्वसनेस में बदल जाती है। यही नर्वसनेस कहीं ना कहीं जिंगी और शिचैन के फेस पे भी दिख रही है, पर कुरान बिल्कुल शांत है। लेकिन ये तीनों अचानक से अपने ग्रैंडफादर के नाम से इतना नर्वस और इतने शांत मतलब एक तरह से घबरा क्यों गए हैं, विंग ये समझ नहीं पा रहे हैं। शायद विंग को ये बात अभी ये लोग बताना नहीं चाहते हैं कि इनके ग्रैंडफादर कितने खतरनाक हैं। इन्हीं के ग्रैंडफादर की वजह से कुरैन चाइना छोड़ के लंदन आए थे, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर कहीं से कहीं ना कहीं किसी वजह से माफिया से रिलेटेड हैं, और कुरैन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इनके ग्रैंडफादर की वजह से एक टाइम पे लैन फैमिली ने बहुत सफ़र किया, बल्कि इनकी लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। ये बहुत गरीब भी हो गए थे, जिसके कारण कुरैन गुस्से में अपने फादर को छोड़ के लंदन आए थे, और तभी उन्होंने अपने फैमिली को स्टेबल एक होता ना स्टेबल पोजिशन पर पहुँचाया था। और उसके बाद लानक्रेन के फादर यानी वांग जी के ग्रैंडफादर मास्टर लैन वो बाद में दोबारा से माफिया से जुड़ गए थे। अब वो बहुत रिच है, लैन फैमिली बहुत रिच है चाइना में, लेकिन कहीं ना कहीं कुरैन यहाँ एक सिंपल लाइफ बिताते हैं क्योंकि उन्हें अपने फादर की उस रिच और लेविश लाइफ को नहीं जीना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माफिया से रिलेटेड हैं और वो माफिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन आज शायद कुरैन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्यों उनके फादर के यहाँ आने से, कहीं ना कहीं वो यहाँ आज कुरैन की वजह से नहीं बल्कि जिंगी की बात सुन के आए हैं। वो जानते हैं
कि चाहे उनके मतलब उनके और उनके फादर के बीच में कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन जिंगी से उनके फादर बहुत प्यार करते क्योंकि जिंगी इस पूरी फैमिली में इकलौता ओमेगा था। आज से पहले कभी उनकी फैमिली में ओमेगा का बर्थ ही नहीं हुआ था, तो वो काफ़ी जनरेशन के बाद एक ओमेगा हुआ था, इसलिए वो सबका लाडला और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा अकड़ू और एक तरह से घमंडी था, क्योंकि सब लोग उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। कहीं ना कहीं जिंगी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो और उसके फादर उससे मिलने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कुरैन तो शांत है, लेकिन जिंगी जानता है कि उसके ग्रैंडफादर जब उसे देखेंगे तो वो बहुत पहले बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे और शायद बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा, और उनका गुस्सा कितना ख़तरनाक है ये तीनों ग्रैंड चाइल्ड्स जानते हैं, इसलिए ये बेचारे अभी शांत हैं। वहीं विंग को इनके फैमिली डायनेमिक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इनके बीच में क्या चलता है अभी आइडिया नहीं है, लेकिन वो शायद को धीरे धीरे समझेगा। वहीं विंग यही होटल में रहते हैं और वांग जी अपनी फैमिली के साथ उनके घर यानी कुरैन के घर चला जाता है। विंग को मतलब उन फैमिली एक तरीके से होम ना ले जाने का फैसला भी वो कुरैन का ही था, क्योंकि कुरैन शायद नहीं चाहते कि विंग की पहले इंट्रैक्शन ही उनके ग्रैंड फादर से ख़तरनाक हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज घर में क्या माहौल बनने वाला है उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही होता है। घर में पहुँचते ही कुरैन देखकर शौक है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर व्हील मतलब एक तरीके से मेन हॉल के बिग चेयर पे बैठे हुए हैं और साथ में उनके कुछ गार्ड्स हैं जो आगे पीछे खड़े हुए हैं। अब ये चारों उस रूम में एंट्री करते हैं, यानी लांग वांग जी, लांग कुरैन, लांग शी चैन और लांग जिंगी। अब इनके एंट्री लेते ही मतलब ग्रैंडफादर अपनी जगह से खड़े होकर सबसे पहले आगे जाकर जिंगी को गले लगा देते हैं। वे जिंगी भी अपने ग्रैंडफादर से गले लगता है और वो बहुत प्यार से जिंगी के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है मैंने उन्हें सज़ा दे दी है। सॉरी, मैं पहले तुमसे मिलने नहीं आया, क्योंकि मैं तुमसे मिलने से पहले उन लोगों को अपने हाथों से सज़ा देने चाहता था। इस बात पे कुरैन बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, क्या किया आपने फादर? वही जो मुझे जो तुम्हें करना था, लेकिन तुम जैसा कमज़ोर कर भी क्या सकता है? तुम्हें क्या लगता है इस कानून इस पुलिस के साथ तुम इसे जस्टिस दिला सकते? जब मैं यहाँ लैंड किया तो मुझे पता चला कि वो चारों के चारों ओमेगा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, और उन्होंने उनके अरेस्ट होने से पहले ही उनके लिए बेल का इंतज़ाम कर दिया था, तो मैंने उन चारों को सही जगह पहुँचा दिया। आपने क्या किया? अब कहीं ना कहीं शिचैन भी थोड़ा परेशान होते हुए अपने ग्रैंडफादर से पूछता है। इससे पहले ये लोग कुछ रिएक्ट करते अचानक से लान कुरैन के फ़ोन पे रिंग आता है, जिससे लान कुरैन घबराते हुए वो फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन स्पीकर पे ही डाल देते हैं, जिसे पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो चारों बेल के बाद यहाँ से अपने घर वापस जा रहे थे जब उनका कार एक्सीडेंट हो गया है और अब ऑन द स्पॉट उन चारों की डेथ हो गई है। ये बात सुनते ही यहाँ खड़ा हर कोई पूरी तरह से शॉक हो गया। जहाँ पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है कि ये डेथ एक्सीडेंट में हुई है, वहीं ये चारों अच्छे से जानते हैं ये डेथ कैसे हुई है। कहीं ना कहीं उनके ग्रैंडफादर ने यहाँ आते ही अपना काम कर दिया, जिस चीज़ से आप थोड़ा सा परेशान होता हुआ कुरैन फ़ोन कट करता है और गुस्से में अपने फादर को देखता है और बोलता है, फादर ये आपने क्या किया? आपको क्या लगता है ये आपका चाइना है? नहीं, ये इंग्लैंड है, यहाँ आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो? आपने चार लोगों का मर्डर कर दिया है और आपको लगता है आप बच जाओगे? इस बात पे अब ग्रैंडफादर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं चेंज होता, वो उतने ही एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, ये काम मैंने नहीं बल्कि खुद गॉड ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं करा और कोई भी दुनिया की ताकत ये बात प्रूव नहीं कर सकती इसमें मैं या तुम इन्वॉल्व हो। तुम सब तो बड़े आराम से मेरे ग्रैंडसन की लाइफ बर्बाद करने में बिजी थे, मैं तो अभी चाइना लैंड हुआ हूँ, तो तुम पे या मुझ पे शक होने का कोई निशान नहीं है। हम चारों चाहे कहीं भी थे, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं हमारे केस से इन्वॉल्व थे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ है तो हम पे शक ज़रूर आएगा। कहीं ना कहीं कुरैन थोड़ा कंसर्न के साथ बोलते, तुम्हारा यही डर कारण है जिसकी वजह से मेरे दोनों ग्रैंडसन की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तुमने ऑलरेडी मेरे ग्रैंडसन्स को मुझसे दूर यहाँ लाकर उन लोगों की लाइफ अपने हिसाब से बहुत कंट्रोल कर दी, अब वो होगा
जो मैं चाहूँगा। अभी के अभी तुम चारों मेरे साथ चाइना चल रहे हो, मुझे इससे आगे तुम चारों से कोई जवाब नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं वांग जी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, आप हमारी लाइफ का डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते हैं कि हम यहाँ पे जॉब करते हैं, हमारे यहाँ पे एक अपनी लाइफ है और हम उस लाइफ को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। तुम तो सबसे पहले बोलोगे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो तुमने करी है। एक ऐसे ओमेगा को तुमने अपना मार्क्ड ओमेगा बना दिया, जो शायद कभी भी हमारी फैमिली के लायक नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं फादर, अचानक से अब कुरैन विंग के सपोर्ट में बोलते हैं। आप नहीं जानते वो कितना अच्छा ओमेगा है, वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बल्कि हमने उसके साथ गड़बड़ करी है, जो उसे हमारी फैमिली की पूरी बात नहीं पता और हमने उसे इंगेज कर दिया है। इंगेजमेंट? कौन सी इंगेजमेंट? मैं उसे एक नाटक को इंगेजमेंट नहीं मानता। मेरा ग्रैंडसन इंगेज नहीं है और उस ओमेगा से तो कभी नहीं हो सकता। तुमने एक ओमेगा से मेरे ग्रैंडसन की इसलिए एंगेजमेंट करा दी क्योंकि उसने जिंगी की मदद करी थी? ऐसे तो जिंगी की मदद उस पुलिस ऑफिसर ने भी की, तो जाओ शिचैन की एंगेजमेंट उससे करवा दो। उस एचान ने भी की, जाओ जिंगी की एंगेजमेंट उससे करवा दो। क्या जो कोई हमारी मदद करता है तो उसके बदले तुम मेरे ग्रैंडसन की उनसे एंगेजमेंट करवा दोगे? पैसे देते, थैंक यू बोल देते, या किसी और तरीके से ये उसे धन्यवाद बोल देते, लेकिन इस तरीके से वांग जी से एंगेजमेंट करवा के तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ की है कुरैन, और इसी कारण अब मैं तुम लोगों को यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा मार्क्ड ओमेगा है, अब अचानक से वांग जी बीच में बोलता है, और एंगेजमेंट सिर्फ मैंने अंकल के कहने पे की थी, लेकिन पहले से ही मैं विंग को पसंद करता था। मैं और विंग एक दूसरे के मार्क्ड ओमेगा और अल्फा हैं, हम ऑलरेडी मेट हैं। बात को बीच में कट करके ग्रैंडफादर दोबारा बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो मार्क्ड है या तुम मार्क्ड हो, लेकिन तुम और वो एक नहीं हो सकते। अब वो अब इशारा करते हैं अपने गार्ड की तरफ और सारे गार्ड अब उन दोनों चारों को घेर लेते हैं और बहुत सारे गार्ड रूवीस हॉल में एंट्री करें। एक तरीके से ग्रैंडफादर अकेले नहीं आए थे, कम से कम अपने साथ 30 से 35 लोगों को लाए थे। ये देखकर कहीं ना कहीं वांग जी, शिचैन, कुरैन और जिंगी शॉक हैं, क्योंकि अंकल मतलब एक तरह से उनके ग्रैंडफादर इस तरीके से कर सकते हैं, उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था। अब गुस्से में कुरैन की तरफ देखते हुए ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम उस ओमेगा के बारे में कुछ नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। मैंने उसके बारे में चाइना से सब कुछ पता किया और वो हमारे वांग जी के बिल्कुल लायक नहीं है। उस जैसा ओमेगा तो किसी भी अल्फा के लायक नहीं है, और तुमने मेरे ग्रैंडसन से उसकी एंगेजमेंट करवा दी। अभी के अभी तुम सब लोग मेरे साथ चाइना जा रहे हो, और अपने गार्ड को इशारा करके उन लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है, जिसे वांग जी गुस्से बोलता है, आप हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप हमें इस तरह से ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं विंग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे विंग के पास जाना है और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। वांग जी गुस्से में है, उसके अल्फ़ा फॉर्मेंस भी पूरी तरह से रूम में फिल हो रहे हैं, वो काफ़ी गुस्सा है और वो एक बहुत स्ट्रांग अल्फ़ा है, वो जल्दी से इन सब पे अटैक करके इन सब की जान भी ले सकता है। ये बात कहीं ना कहीं एक तरह से ग्रैंडफादर भी जानते थे, इसलिए वो हल्का सा इशारा करते हैं और तुरंत वांग जी की नेक में एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वांग जी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता और ज़ोर से बेहोश हो जाते हैं, जिसे देख के शिचैन और कुरैन घबरा के होते हैं, ये आपने क्या किया? वांग जी शोर मचाने लगते हैं, जिससे अब ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम चाहते हो कि वांग जी ठीक हो जाए तो अभी के अभी चुपचाप से हमारे साथ चलोगे। मैं एक मिनट भी तुम लोगों को अब यहाँ रुकने नहीं दूंगा, मैंने जो डिसाइड किया है अब वही होगा। इस चीज़ पे कहीं ना कहीं कुरैन, शिचैन और यहाँ तक कि जिंगी शौक है, नहीं जिंगी बहुत ज़्यादा अपसेट है कि क्या कि, क्योंकि वो जानता है विंग बहुत अच्छा ओमेगा है और वो कहीं ना कहीं विंग्स के बारे में सोच के अपसेट है। अचानक से अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो विंग क्या समझेगा कि वांग जी उसे एंगेजमेंट करके ऐसे गायब हो गया? कहीं ना कहीं जिंगी इसी डर से अब कुछ करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप से एक मैसेज अब मतलब फ़ोन में एक मैसेज टाइप करके उस को विंग को भेज देता है। इससे पहले वो पूरा मैसेज भेज पाता या टाइप कर पाता, अचानक से उसके हाथ से वो फ़ोन उसके ग्रैंडफादर छीन लेते हैं और ज़ोर से उस फ़ोन को जमीन पर फेंकते हैं।
और बोलते हैं तुम मेरे सबसे लाडले ग्रैंडसन हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस चीज़ की कोई पनिशमेंट नहीं दी, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि तुम दोबारा से ऐसी कोई हरकत करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। उस ओमेगा से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी फ़ोन हैं सबको तोड़ दो और ये ऑर्डर देखिए, जल्दी से बेहोश वांग जी के साथ ये सब लोगों को ले जाया जाता है। मिंशी चैन और कुरैन कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वो नहीं जानते वांग जी को कौन सी मेडिसिन दी है। अगर उन्होंने उनके फादर यानी ग्रैंडफादर की बातें नहीं मानी तो पता नहीं वो क्या करेंगे, इसलिए डर के मारे वो भी वैसा कर रहे हैं। वेंगजी बहुत खुश है और अपने रूम में आके बैठा हुआ है। वो बार बार अपनी ब्यूटीफुल रिंग को देख रहा है, आज जो उसके साथ हुआ उन बातों को देख रहा है। थोड़ी देर में एक तरीके से वो होटल का जो कैमरामैन जिसने पिक्स खींची थी वो सारी पिक्स को लेके विंग के पास आ जाता है। सॉफ्ट कॉपी उसे मेल कर देता है और हार्ड कॉपी उसके हाथ में दे देता है। विंग खुशी से उसकी पेमेंट करके उन पिक्स को देख रहा है, जैसे वो और रमजान एक साथ थे वो देख रहा है। विंग को यकीन नहीं हो रहा, कुछ पिछले कुछ दिन में उसकी पूरी लाइफ बदल गई, कितनी सारी हैप्पीनेस एक साथ मिल गई। वो बस विश कर रहा है उसकी हैप्पीनेस को नज़र न लग जाए और वो सबसे पहले अपनी सीजे को फ़ोन करता है अपनी खुशियों के लिए। वहीं भी तुरंत कॉल कर रहा है जिस पर भी याली इसके एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेते हैं। अभी शॉकिंग होता है, सीजे आपने इतनी बार में कैसे फ़ोन उठा लिया, मुझे तो लगा मैं सिर्फ आपको एक मिस कॉल मार देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया ना, आप सोई क्यों नहीं, पहले मुझे ये बताओ इतने दिन से तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया, मैं तुमसे कब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। विंग सीजे सॉरी मुझे पहले ऑफिस के चक्कर में टाइम नहीं लगा और उसके बाद कुछ यहाँ पे इमरजेंसी हो गई थी, मैं इस समय लंदन में नहीं बल्कि लिवरपूल में हूँ। और सीजे मैं इंगेज हो गया हूँ। सीजे ब्लांजर जिसके बारे में मैं आपको बताता था उसने मुझे प्रपोज़ किया है। सीजे वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। सीजे आई एम सो हैप्पी। सीजे मेरे पास एक छोटी सी फैमिली भी है, आपको पता है मैं उसके अंकल से मिला, उसके ब्रदर से मिला, उसके कज़न ब्रदर से मिला, उसके मदर और फादर ने भी मुझसे बात की, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया ये जानने के बाद भी कि मैं ऑफेन हूँ। आपको पता है सीजे उसने मुझे इतनी ब्यूटीफुल रिंग दी है, मैं अभी आपको उसकी फेक भेजता हूँ और उसने मुझे इतना प्यारा प्रपोजल दिया था। सीजे इतना ब्यूटीफुल था। सीजे वहाँ पे ये भी था। विंग इतनी खुशी और एक्साइटमेंट में अब याली की वो बात सुने बिना अपनी सारी खुशी और एक्साइटमेंट विंग के सामने विंग याली के सामने रख देता है। वहीं याली जो शायद अभी थोड़ी देर पहले विंग पे गुस्सा थी, जब वो ये बातें सुनती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाती है। विंग जब अपनी सारी बात बोल के शांत होता है तो बोलता है ओ सीजे मैं तो बोलते ही जा रहा था, बताइए सीजे आप मुझे क्या बोलने वाले थे। कंग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू माई आशियान, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे आशियान को उसकी लाइफ की हैप्पीनेस मिली। मैं तुम्हारी सीजे हमेशा तुम्हारे लिए हैप्पीनेस ही विश करती है। आई एम सो हैप्पी विंग कि तुम्हें तुम्हारा अल्फा मिला और मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि तुम उसके साथ बहुत खुश हो। हाँ मैं तुम्हारे फ़ोटोग्राफ्स का वेट करूँगी, जल्दी से मुझे फ़ोटोग्राफ सेंड करो, मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी विंग के उस प्यारे से अल्फा को। और तुम दोनों के एंगेजमेंट में मैं पार्ट नहीं बन पाई पर कोई बात नहीं, उन पिक्स को मुझे ज़रूर सेंड करो। ओ सॉरी सीजे, एक्चुअली वो एकदम से हो गया, पहले मैंने सोचा था मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा लेकिन उसके बाद वहाँ ये लांजा ने एकदम से ये सरप्राइज़ दे दिया, इससे मुझे आपको कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। पर कोई बात नहीं सीजे, मैं आपको बहुत सारी पिक्स है जो भेजता हूँ आपकी मेल पे मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ, अगर आप जगह हो तो प्लीज़ देखना। और हाँ सीजे मेरी साइड से अंकल और आंट को भी सॉरी बोलना, मैं उनसे भी बात करना चाहता था लेकिन अचानक से ये सब हो गया, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा, मैं उनसे मॉर्निंग में बात कर लूँगा। नहीं तुम उन्हें कॉल मत करना, एक्चुअली वो लोग अभी बाहर हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी, बट हाँ तुम मुझे अपनी पिक्स भेजना। और ये बोलने के बाद यानली अपना ध्यान रखना बोल के फ़ोन कट कर देती है। यहीं यानली ने जैसे ही फ़ोन कट किया दूसरी तरफ से जीशान बहुत ज़ोर से यानली पे चिपकता है, कि तुमने क्या किया, उसे सच क्यों नहीं बताया और फ़ोन क्यों कट कर दिया, उसे तुम्हें पता है ना तो उसे सच बात बता देनी चाहिए क्योंकि अब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर हो गई, अब मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, जल्द से जल्द उसे सच बता देना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें पता है आज मैंने पहली बार अपनी आशियान की आवाज़ में वो खुशी महसूस की जब वो पहली बार मेरे घर आया था, तब मैंने महसूस की थी। मैंने आज आशियान को पहली बार दिल से खुशी महसूस किया, मैं कैसे आज उसकी वो खुशी उससे छीन लेती। आज उसे खुश रहने दो, आज उसकी लाइफ का इतना हैप्पी डे है, मैं उसकी इस हैप्पी डे को ऐसे स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, पर हम कब तक विंग से सच छुपाएंगे, अब सब कुछ हमारे हाथ से बाहर जा चुका है, हमें विंग को सच बता देना चाहिए इससे पहले उसे किसी और से ये बात पता चले। लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती
शायद मैं तो अपने मुँह से अब ये बात नहीं बता सकती। मेरे अंदर आज इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं विंग को ये बात बोलूँ। पिछले 3 दिन से तो मैं यही सोची थी कि जब विंग मेरा फ़ोन उठाएगा मैं सबसे पहले उसे ये बात बताऊँगी, लेकिन आज विंग की खुशी देखकर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये बात कैसे बोलूँगी। पर हमें कभी ना कभी तो सच बोलना है ना। मुझे नहीं पता ये सच कब और कैसे विंग के सामने आएगा, लेकिन अभी तो मैं ये नहीं कर सकती। इससे पहले कुयाली कोई और बात बोलती उसके अचानक से फ़ोन में पॉपअप आता है कि उसे एक मेल भेजी है विंग ने। याली तुरंत उस मेल को अपने लैपटॉप से ओपन करती है और देखती है उसके और वांगजी के आज के एंगेजमेंट की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स और बहुत सारी पिक्चर्स, जिसे देख के याली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और बहुत प्यार से स्क्रीन पे वो विंग के स्माइली फेस, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, वांगजी से रिंग पहना रहा है, उस फोटो को देख कर प्यार से हाथ फिराती है और बोलती है, मेरे आशिन भगवान ने तुम्हारे साथ इतना गलत क्यों लिखा है? क्यों है तुम्हारी डेस्टिनी इतनी बुरी कि तुम्हारी है लाइफ में हैप्पीनेस से पहले ही सैडनेस आ जाती है? ये स्माइल तुम्हारे चेहरे पे कितनी अच्छी लग रही है, पर मेरी मदर क्यों क्यों तुम्हें इतना पेन देना चाहती है? मेरे आशियान ने क्या गलत किया है भगवान जो आप उसके साथ इतना गलत करो? क्यों क्यों ये क्रूअल डेस्टिनी है उसकी? क्या उस बेचारे की लाइफ में आपको हैप्पीनेस अच्छी नहीं लगती? कहीं ना कहीं याली आज भगवान को भी कोस रही है, क्योंकि उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। जैसे जैसे वो पिक्चर्स देख रही है उसे पता है कि विंग के साथ जो उसकी मदर ने किया है उसके बाद ये हैप्पीनेस ऐसे पता नहीं कभी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और आज का पार्ट ये रुकता है, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या करा है मैडम लैन ने, सॉरी मैडम यू ने, जिसके कारण विंग की लाइफ की ये हैप्पीनेस जा सकती है। क्यों है याली इतना परेशान विंग को लेकर और क्या रीज़न है कि ग्रैंडफादर ने विंग एक वांगजी के लिए आइडियल ओमेगा नहीं है ये डिसीजन लेके विंग और वांगजी को अलग करने का फैसला किया है? आपको लगता है हमारे विंग और वांगजी अलग रह होंगे? शायद नहीं या शायद हाँ, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब तक हैप्पीनेस थी, कुछ पार्ट में थोड़ी सैडनेस भी आएगी, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि ट्विस्ट और टर्न चाहिए। अब ट्विस्ट और टर्न चाहिए तो थोड़ा सैडनेस भी आपको झेलना पड़ेगा। पर आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे, सैडनेस कम होगी पर प्यार और एक दूसरे का सपोर्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। इस पिछले मतलब आगे वाले पार्ट्स में फैमिली लव फैमिली सपोर्ट भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।